राजनीति में आप जिसका साथ दे रहे हैं वे आपको भुला सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी समूह पर हमला बोल दे तो वे ना कभी आपको भूलेंगे और ना कभी माफ करेंगे। दरअसल रामविलास पासवान ने एक अनौपचारिक भोज के दौरान विभिन्न और विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों के साथ उनके मधुर संबंधों के राज के बारे में सवाल करने पर कुछ ऐसा कहा था कि पासवान की राजनीतिक विचारधारा का यह मूल देश के महत्वपूर्ण दलित नेता के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो खुद कभी किंग यानी कि प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन अपने 5 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने तमाम लोगों को शीर्ष की कुर्सी पर बैठाया और उन्हें उतरते हुए भी देखा। लोकप्रिय दलित नेता का दिल्ली के एक अस्पताल में बृहस्पतिवार की शाम 74 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था। पासवान हमेशा से दोस्त बनाने, संबंधों में निवेश करने में भरोसा रखते थे और कभी कभी खुद को झगड़ रहे गठबंधन सहयोगियों के बीच में संबंधों को मजबूत बनाने वाले की तरह भी देखते थे। बता दें कि पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदे थे पासवान। सन 1959 में कांग्रेस विरोधी मोर्चा की ओर से वो चुनाव मैदान में उतरे और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। जमीन से शुरुआत तक कई समाजवादी पार्टियों में विभिन्न पदों पर रहते हुए समय के साथ साथ बदलते उनके स्वरूप के साथ देश के महत्वपूर्ण दलित नेता बनकर उभरे। बिहार के खगड़िया में 1946 में जन्मे पासवान 8 बार निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे और फिलहाल वे राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं चौधरी चरण सिंह नीत लोक दल में बरसों तक पासवान के साथ रहे हैं। उसके बाद जेडीयू के सी त्यागी उन्हें 45 साल से भी लंबे वक्त तक का समाजवादी कर्मी बताते हैं। उनका कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ने उत्तरी भारत में दलितों को एकजुट करने का महत्वपूर्ण काम किया और जाते जाते भी उनकी आवाज बने रहे। पासवान के निधन के साथ ही 1975 से 1977 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में हुए जन आंदोलन के एक महत्वपूर्ण समाजवादी नेता की जीवन लीला का अंत हो गया। वह कई बार बड़े प्रेम से ऐसी कविताएं सुनाया करते थे जिनमें राजनीतिक और सामाजिक संदेश रहता था और उनमें से बहुत सी खुद उनकी लिखी हुई होती थी। पासवान 1989 में सत्ता में आई वीपी सिंह सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए उलट पलट दिया। पासवान के व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण यह भी था कि पार्टी और गठबंधन चाहे किसी भी विचारधारा के हों, उनके संबंध सभी के साथ हमेशा मधुर रहे हैं। आलम यह रहा कि कांग्रेस विरोधी आंदोलन से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले पासवान की अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी दोनों से छंती थी। वह वाजपेयी नीत राजक सरकार के मंत्री रहे तो मनमोहन सिंह संपर्क सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अभी तक वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि भगवा पार्टी के साथ मतभेद बढ़ने पर वह वाजपेयी सरकार से अलग हो गए थे। उस दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन मई 2014 में मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार में शामिल होने के बाद वह प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र बन गए, खास तौर से दलित मुद्दों पर।